स्क्रीन पे डाल दिया प्रोग्राम की कार्रवाई लाइटनिंग लैंप जो है मीडिया पर्सन राकेश पहल साहब और मेडिसिन कह चुकी है जो इसको वो करते हैं। दूसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, जब हम टेस्ट तो कर लेते हैं, ये वाला टेस्ट हम करना है जैसे स्क्रीनिंग, लेकिन कंफर्मेटेड जैसे कि व्हाट वी हैव एज डॉक्टर भारत मेंशन that hepatitis is a very serious disease and it cannot be taken lightly, and still India faces large burden of this disease, primarily because the vaccination that is scheduled to take place within 24 hours is not happening at 100% in the country. One reason amongst many that children are still being born at non-institutional facilities, and that leads to देखिए हेपेटाइटिस का जो बर्डन है देश पे अभी भी बहुत ज्यादा है। हर 30 सेकेंड पर एक इंसान अपनी जान गंवा देता है पूरी दुनिया में। तो जैसा अभी डॉक्टर वर्षा ने भी बताया और सीएमओ साहब ने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस ऑलमोस्ट सिमिलर कैजुअलिटीज हैं, तो दीज आर वेरी सीरियस इशूज़। और डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी हम इसका बहुत एक इम्पोर्टेंस से डील कर रहे हैं। और अभी आपने सबने सुना होगा कि अभी रिसेंटली भी हमारे तकरीबन 15 के अराउंड केसेस डिटेक्ट हुए हेपेटाइटिस के। कुछ ऐसी भी बातें हुई कि बार बार शॉप्स वगैरह में सिरिंजेस अच्छे से सैनिटाइज नहीं की जाती हैं, तो ये सारी चीजों पे एक विचार विमर्श हुआ। और आज के दिन पे हेपेटाइटिस को जो ड्यू इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो इम्पोर्टेंस मिली है, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सीएमओ साहब का और इनकी टीम का। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के हम हेपेटाइटिस डिजीज को इस देश से खदेड़ने में 2030 का हमारे पास टारगेट है, पर हम उम्मीद करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से हम बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल कर लेंगे और इस डिजीज को खदेड़ निकालेंगे।